सो बेस्ट पीसी बिल्ड अंडर 50,000 रुपीज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 50,000 में आप कैसे अपने लिए एक परफेक्ट गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हो। अब चाहे आपको गेमिंग करना हो या फिर स्ट्रीमिंग करना हो, वीडियो एडिटिंग का काम करना हो, ट्रेडिंग करना हो, आपने जो चीज भी करना है, ये आपके लिए एक वन ऑफ दी बेस्ट वीडियो रहने वाला है। देखो यार, यहाँ पे मैं पीसी बिल्ड करके तो नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको गाइड करता हूँ कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट आपको लेने चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट लेने चाहिए अगर आपका बजट 50,000 है एंड उसमें आपको एक फुल सेटअप चाहिए, फुल पीसी बिल्ड चाहिए। देखो, ये जो पीसी बिल्ड रहने वाला है, ये अगले 4 से 5 सालों तक आपको बिल्कुल भी अपग्रेड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड उससे भी अच्छी चीज की ये सभी कंपोनेंट्स आपको अमेज़न पर मिल जाएंगे, तो आप लोग अमेज़न से ही परचेज कर सकते हो, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके से पीसी बिल्ड एंड गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड दूसरी चीज, अभी भी आप अपने पीसी में पायरेटेड विंडोज यूज करते हो तो वो बहुत ज्यादा रिस्की चीज है। यहाँ पे आपको रॉयल की प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही चीप प्राइस रेंज में, विंडोज 11, विंडोज 10 के कीस। एंड अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करोगे दैट इज DMT50, तो आपको 50 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड टॉप पिन कमेंट में आपको इनके वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको परचेज करना है AMD की तरफ से आने वाला AMD का राइजन 5 3600। वैसे तो ये प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना है, लेकिन अभी भी ये बहुत ही अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कराता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स। तो ये एक हेक्साकोर प्रोसेसर रहने वाला है, विच मीन्स आप इसे बहुत ही अच्छे से लाइव स्ट्रीमिंग में भी यूज कर सकते हो। लाइक अगर आप लोग मल्टीटास्क करते हो, वीडियो एडिटिंग का काम करते हो या फिर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक पीसी चाहिए, तो उसमें ये प्रोसेसर बहुत ही परफेक्ट रहने वाला है। यहाँ पे आपको 3.6 GHz का बेस क्लॉक मिल जाएगा एंड यहाँ पे जो बूस्ट क्लॉक स्पीड मिलता है दैट इज 4.2 GHz। 35 MB का आपको कैशे मिल जाएगा एंड ये प्रोसेसर 7 नैनोमीटर फेब्रिकेशन नोड पर बना हुआ है। ये एक अनलॉक प्रोसेसर रहने वाला है, तो इसमें अच्छा सा एयर कूलर लगा के आप इसे फ्यूचर में ओवर क्लॉक भी कर सकते हो। देखो इसका प्राइस यहाँ पे अमेजन पर जो रहता है, अब देखो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करता हूँ इस वीडियो को अगर आप लोग थोड़ा सा बाद में भी देख रहे हो। लाइक देखो, अभी अमेजन पर सेल चलने वाला है, 5 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक यहाँ पे आपको अमेजन पर सेल मिल जाएगा। उस टाइम पे अगर आप लोग इसे परचेज करते हो तो ये आपको 8,000 से लेके 9,000 में इजिली मिल जाएगा। एंड मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब यहाँ पे अमेजन वगैरह पर सेल चले तभी आप लोग यहाँ पे पीसी कंपोनेंट को परचेज किया करो। तो अगर आप लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इस वीडियो को वॉच लेटर में कर दो या फिर इस वीडियो को सेव कर दो, जब यहाँ पे सेल चले तो आप लोग खरीद सकते हो। सभी कंपोनेंट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत अच्छा प्रोसेसर, अपने प्राइस रेंज में वन ऑफ दी बेस्ट प्रोसेसर रहने वाला है। इस प्राइस रेंज में यह प्रोसेसर PCIe Gen 4 को भी सपोर्ट करता है। बात करें दूसरे प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं AMD का राइजन 5 5500। देखो ये भी प्रोसेसर काफी बढ़िया है, यहाँ पे भी आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं एंड बूस्ट क्लॉक स्पीड जो है दैट इज 4.2 GHz, लेकिन यहाँ पे आपको 19 MB का कैशे मिलता है एंड ये प्रोसेसर भी अनलॉक्ड रहने वाला है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे अगर आप लोग राइजन 5 3600 खरीदते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम मिलेगा एंड राइजन 5 5500 थोड़ा सा इससे बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन दोनों के प्राइसिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। देखो यार, मदरबोर्ड में कभी भी आपको चिप आउट करने के लिए नहीं बोलता हूँ। अगर आप लोग फ्यूचर में किसी भी चीज को अपग्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए एक अच्छा सा मदरबोर्ड भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक काफी अच्छा डिसेंट सा मदरबोर्ड यूज करा है जिसे आप लोग खरीद सकते हो, ये भी अमेजन पर मिल जाएगा। दैट इज MSI B450M Pro VDH Max। ये मदरबोर्ड बहुत अच्छा है, मतलब अपने प्राइस रेंज का ये वन ऑफ दी बेस्ट मदरबोर्ड रहने वाला है। यहाँ पे आपको 4 RAM स्लॉट मिल जाएंगे DDR4 वाले, जिन्हें आप लोग 3460/600 MHz तक ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। 64 GB तक मैक्सिमम रैम ये सपोर्ट करता है एंड यहाँ पे आपको M.2 का सॉकेट भी मिल जाता है, विच मीन्स आप लोग यहाँ पे NVMe SSD भी लगा सकते हो। इसी के साथ साथ सभी नेसेसरी पोर्ट्स भी दिए गए हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये अपने प्राइस रेंज में काफी अच्छा VRM प्रोवाइड कराता है, तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा VRM भी मिल जाता है, तो थोड़ा बहुत आप प्रोसेसर को ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। एंड इसमें अगर आप लोग चाहो तो फ्यूचर में Ryzen 7 भी यूज कर सकते हो, आराम से कैपेबल है, Ryzen 7 भी आप इसमें चला सकते हो। इसी के साथ साथ आपको सभी नेसेसरी पोर्ट्स भी मिल जाते हैं। इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 6,650 रुपीज। अब ये प्राइस देखो अमेजन पर थोड़ा सा महंगा हो सकता है, अभी के टाइम पे जब सेल चल रहा हो तभी आपको परचेस करना है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अदरवाइज अमेजन पर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग ऑफलाइन मार्केट को विजिट करो, वहाँ पे ये चीजें आपको बहुत सस्ती में मिल जाती है। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट दैट इज रैम। देखो यार, यहाँ पे अभी के टाइम पे 16 GB रैम मोर देन इनफ होता है, चाहे आपको गेमिंग करना हो, स्ट्रीमिंग करना हो या फिर वीडियो एडिटिंग का काम करना हो। 8 GB तो सफिशियंट नहीं है, आपको एटलीस्ट 16 GB रैम तो लगाना ही चाहिए एंड 50,000 का बजट है, तो यहाँ पे 16 GB रैम आप आराम से लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है जो कि अमेजन पर काफी सस्ते में मुझे मिल रहा था, दैट इज G-Skill Repatch V। देखो ये काफी अच्छा G-Skill की तरफ से आने वाला रैम है, यहाँ पे आपको 3200 MHz का क्लॉक स्पीड मिल जाता है। ये आपको अमेजन पर सबसे सस्ते प्राइस रेंज में मिल जाता है। इसका सिंगल स्टिक का जो अमेजन पर प्राइस है दैट इज 1679 रुपीज। तो देखो दो रैम
पेटीएम आप लोग यूज करते हो तो वहाँ पे आपको 3,358 रुपीस पे करने पड़ेंगे। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग सिंगल 16GB रैम यूज करो तो आप वो भी यूज कर सकते हो। सो नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज स्टोरेज। यहाँ पे आप लोग बूट ड्राइव के लिए एक बहुत ही अच्छा NVMe SSD का यूज करो। देखो मैं हमेशा कहता हूँ आपको बूट ड्राइव के लिए एक NVMe SSD ही यूज करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा NVMe SSD चूज करा है जो कि आता है किंगस्टन के तरफ से, दैट इज किंगस्टन NV2। अब देखो ये रहने को तो Gen4 SSD है लेकिन ये Gen3 पर भी काम कर जाता है। थोड़ा सा स्पीड आपको कम मिलेगा लेकिन डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। ये Amazon पर आपको 2,500 रुपीस में मिल जाएगा एंड मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा चीपेस्ट SSD रहने वाला है। यहाँ पे आपको 500GB कैपेसिटी मिल जाता है एंड इसका जो यहाँ पे रीड स्पीड है दैट इज 3,500 MB/s एंड राइट स्पीड जो है दैट इज 2,800 MB/s। देखो यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये SSD। यहाँ पे इंड्योरेंस मेंशन नहीं किया था इन्होंने, पता नहीं चल रहा है कि ये कितना TBW प्रोवाइड कराता है। खैर उतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, Amazon पर इसका काफी अच्छा रिव्यू है तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा NVMe SSD होगा। यहाँ पे आपके SSD में नेसेसरी ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर एंड उसी के साथ साथ आपका विंडोज डलाएगा। उसके बाद भी बहुत ज्यादा स्टोरेज बच जाता है तो उसमें आप लोग अपने गेम्स को स्टोर कर सकते हो जो भी गेम्स आपको खेलने हैं। सो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, दैट इज ग्राफिक कार्ड। अब देखो यार ग्राफिक कार्ड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसके बिना यार गेमिंग पीसी कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है। I mean, ग्राफिक कार्ड के बिना तो पीसी का मतलब ही कुछ और होता है। तो देखो ग्राफिक कार्ड में आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वो भी अगर आपका बजट 50,000 है एंड उसमें आपको फुल गेमिंग पीसी चाहिए तो यहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड यूज मार्केट से खरीदना पड़ेगा। यूज मार्केट से मेरा ये मतलब है कि पुराने ग्राफिक कार्ड जो कि आपको बहुत सस्ते प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। आप लोग यहाँ पे फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी विजिट कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज कि आप लोग ऑफलाइन मार्केट में विजिट करो, वहाँ पे आपको बहुत ही सस्ते प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छे अच्छे ग्राफिक कार्ड मिल जाएंगे। सबसे पहला ग्राफिक कार्ड दैट इज GTX 1660 Super, ये आपको यूज मार्केट में 9,000 रुपीज में मिल जाएगा एंड मैंने रिसेंटली GTX 1660 Super यूज मार्केट से परचेज किया है विथ वारंटी, वो भी 9,000 में, तो बहुत अच्छा है, आपको भी डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको यूज्ड ग्राफिक कार्ड कहां से परचेज करने चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आप लोग RTX 2060 Super खरीद सकते हो। यहां पे देखो 2060 सुपर आपको 15,000 रुपए में आराम से मिल जाएगा, तो देखो आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, एक्सप्लोर करना है तभी मिलेगा, ऐसे नहीं है कि कहीं भी आप इसे खरीद सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर भी हैं जहां पे अवेलेबल है, चाहो तो आप लोग AMD का RX 6600 भी खरीद सकते हो। अब देखो जिनको पुराने ग्राफिक कार्ड नहीं लगाने, जिनको नया ग्राफिक कार्ड चाहिए उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन यहां पे अवेलेबल है। देखो 15,000 में आपको बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, दैट इज GTX 1650 Super, ये बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है। यहां पे आपको 4GB का VRAM मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आप लोग स्ट्रीमिंग भी कर पाओगे लेकिन GTX 1650 Super कोई बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग 1080p सेटिंग में highest possible सेटिंग में गेमिंग कर पाओगे लेकिन बात रही लाइव स्ट्रीमिंग की तो वहाँ पे देखो यार आपको थोड़ा सा अच्छा ग्राफिक कार्ड परचेज करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ RTX 2060 Super ले लो, 15,000 से 16,000 रुपए में आपको आराम से यूज मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मिल जाता है तो आप लोग RTX 2060 Super यूज करो, वहाँ पे आपको 8GB GDDR6 VRAM मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा VRAM, 256 bit का VRAM मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। चाहे आप लोग गेमिंग करो, स्ट्रीमिंग करो, वीडियो एडिटिंग करो, आपने जो चीज भी करना है RTX 2060 Super एक बहुत ही बढ़िया ग्राफिक कार्ड है। नाउ गाइस बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, दैट इज पावर सप्लाई। तो देखो इस सिस्टम के लिए 450 वाट भी इनफ था, बट फ्यूचर में अगर आप लोग ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करना चाहते हो या फिर आप लोग प्रोसेसर अपग्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा पावर सप्लाई आपको सजेस्ट किया है। तो यहाँ पे आप लोग खरीद सकते हो दीप कूल की तरफ से आने वाला उनका दीप कूल PK D550। देखो ये 550 वाट का 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन वाला पावर सप्लाई है, बहुत अच्छा पावर सप्लाई है एंड रिसेंटली मैंने इस पावर सप्लाई को परचेज करा है, उसका रिव्यू वीडियो भी आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आपको 5 साल का वारंटी मिल जाता है, बहुत ही अच्छा कैपेसिटर यूज किया गया है, ये आपको 3,500 रुपीज में मिल जाएगा एंड डेफिनेटली मैं इतना तो कह सकता हूँ कि ये 3,500 रुपीज में वन ऑफ दी बेस्ट पावर सप्लाई रहने वाला है। इससे अच्छा पावर सप्लाई आपको इतने कम प्राइस रेंज में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, तो डेफिनेटली इसे आप लोग परचेज कर सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो सभी कंपोनेंट्स आप लोग परचेज तो कर सकते हो बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि Amazon पर जब सेल चले तभी आप लोग इनको परचेज करना। नाउ गाइस द नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज केस। तो देखो यहाँ पे आप लोग केबिनेट में यूज कर सकते हो एंटी स्पोर्ट्स का SX7, ये केबिनेट बहुत ही बढ़िया है, रिसेंटली मैंने इसे परचेज किया है, हो सकता है तो इसका भी रिव्यू वीडियो में आपको बना के दे दूंगा। ये काफी अच्छा मिड टावर केबिनेट रहने वाला है, यहाँ पे टॉप में आप लोग 280mm तक का रेडिएटर लगा सकते हो। इन फ्यूचर अगर आप लोग लिक्विड कूलर लगाना चाहते हो तो डेफिनेटली फ्रंट में आप लोग 360mm का भी लिक्विड कूलर लगा सकते हो एंड टॉप में आप लोग 280mm का लिक्विड कूलर लगा सकते हो। सबसे अच्छी चीज की यहाँ पे आपको 3 RGB फैन मिल जाते हैं प्री इंस्टॉल एंड टॉप में आपको मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर भी मिल जाता है। एंड
देखो यार, बजट की बात हो रही तो यहाँ पे एंटी स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये कैबिनेट बहुत ही अच्छा है, लुक वाइज भी बहुत ही बढ़िया है एंड डेफिनेटली अपने प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट गेस हो जाता है। ये आपको 3000 रुपीज में इजिली मिल सकता है, लेकिन ये 3000 में तब मिल सकता है जब यहाँ पे सेल चल रहा हो। अभी इसका रेगुलर प्राइस 3500 है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब अमेजन पर सेल चल रहा हो, जो कि अभी अगस्त में सेल आने वाला है, तो वहाँ पे आप इसे परचेज कर सकते हो। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, दीज आर ऑल दी बेस्ट कंपोनेंट जिन्हें आप लोग परचेज कर सकते हो अगर आपका बजट 50,000 है एंड उसमें आपको एक फुल पीसी चाहिए। देखो, अब बात करते हैं पेरिफेरल्स की, यानी कि मॉनिटर एंड कीबोर्ड। तो यहाँ पे देखो यार, मॉनिटर में आप लोग एसर का AK2200Q यूज कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया मॉनिटर है। ये एक 21 इंच का VA पैनल वाला मॉनिटर है। अब ऐसा नहीं है कि VA पैनल बहुत ही बेकार पैनल होता है। अगर आप लोग बिगिनर्स हो, अगर आप लोगों ने कभी IPS पैनल का मॉनिटर यूज नहीं करा है, तो आपको डिफरेंस भी पता नहीं चलेगा। बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको 250 नीट का ब्राइटनेस भी मिल जाता है। सबसे अच्छी चीज की यहाँ पे आपको 100 Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। देखो, बात करें पोर्ट्स की, तो उतना कोई खास अच्छा यहाँ पे पोर्ट्स नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे आपको 1 HDMI एंड 1 VGA पोर्ट्स मिल जाते हैं। तो देखो यार, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसका जो प्राइस है, दैट इज 6000 रुपीज। 6000 रुपीज में वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर रहने वाला है अपने बजट का, चाहे आप लोग गेमिंग करना चाहते हो। इसमें आप लोग एडिटिंग भी कर सकते हो, बट कलर सेचुरेशन उतना अच्छा नहीं है, उसके लिए आपको एक IPS पैनल की जरूरत है। अगर आप लोग गेमिंग करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया मॉनिटर है। एंड बात करें कीबोर्ड माउस कॉम्बो की, तो यहाँ पे आप लोग जेब्रोनिक्स का जेब ट्रांसफॉर्मर्स यूज कर सकते हो। जेब्रोनिक्स का जेब ट्रांसफॉर्मर्स आपको 1100 रुपीज के आसपास मिल जाता है। सो गाइस, दीज आर ऑल दी बेस्ट कंपोनेंट। अगर आपका बजट 50,000 था एंड उसमें आपको एक फुल गेमिंग पीसी बिल्ड करना था, जिसमें आप लोग स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, या फिर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप लोग इन्हीं सारे कंपोनेंट्स को फॉलो करो एंड अपने लिए एक परफेक्ट पीसी बिल्ड करो। अब बात करते हैं इसके टोटल प्राइस के बारे में। देखो, यहाँ पे अगर आप लोग RTX 2060 सुपर यूज मार्केट से यूज करते हो, जो कि आपको 15,000 रुपीज में मिल जाएगा, तो आपका जो प्राइस होगा, दैट इज 50,000 रुपीज। एंड अगर आप लोग यहाँ पे GTX 1660 सुपर यूज करते हो, आपका ये पीसी 45,000 रुपीज में ही बिल्ड हो जाएगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग इसे फ्यूचर में अपग्रेड नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग इसे फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो। फ्यूचर में चाहो तो आप लोग इसमें Ryzen 7 भी यूज कर सकते हो। सभी कंपोनेंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से आप लोग परचेज करके अपने खुद से पीसी बिल्ड कर सकते हो। और अगर आप लोग ये पीसी किसी ऑफलाइन स्टोर पर बनाना चाहते हो, तो आप लोग इन्हीं सारे कंपोनेंट्स को फॉलो करो। आप लोग इन सभी कंपोनेंट का लिस्ट बना लो एंड वहां पे आप लोग इसी पीसी को बहुत ही अच्छे प्राइस रेंज में बिल्ड कर सकते हो। सो हाँ यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, एंड सबसे अच्छी चीज की ये पीसी बिल्ड आपको कैसा लगा आप लोग अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।